दोस्तों सब्सक्राइब करें थंडर वर्ल्ड चैनल को और इस घंटे को दबाकर हमारी वीडियो सबसे पहले देखें। Why are we still here? Just to suffer. दोस्तों आजकल YouTube मेरे साथ जो कुछ कर रहा है ना यार अच्छा नहीं है। मतलब यार वीडियो बनने की पूरी मोटिवेशन ही खत्म हो गई है। मतलब यार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी फिलहाल हंसूं या फिर रोऊं। मतलब एक के बाद एक चीजें हो रही है मेरे चैनल के साथ। सो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अच्छी बने, आई होप। चलो मैं तुमको इस टॉपिक से बोर नहीं करना चाहता तो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बहुत से म्यूजियम देखे होंगे। वैसे तो दुनिया में म्यूजियम बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है और पुरातत्व की चीजों से लेकर इंसानों तक के म्यूजियम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इनमें से कई म्यूजियम तो विशाल और अद्भुत हैं, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में एक ऐसा म्यूजियम है जो कि पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखा है। आइसलैंड का ये इकलौता ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे जानवरों से लेकर इंसानों तक के लिंग को संभाल के रखा जाता है। इस अनोखी म्यूजियम का नाम आइसलैंडिक फिलोलॉजिकल म्यूजियम है। इस म्यूजियम की स्थापना आइसलैंड के एक निवासी सिगरदार जार्टरसन ने 1997 में की थी। 1997 में शुरू हुआ ये म्यूजियम दो दशक के बाद एक पर्यटन स्थल में बदल गया। वर्तमान समय में इस म्यूजियम में 500 से भी ज्यादा लंड है, जिनमें व्हेल की प्रजातियों, चूहे, घोड़े और हाथियों से लेकर इंसानों के लिंग भी शामिल हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए आपको एंट्री फीस $13 देनी होती है, जो कि लगभग 895 रुपीज होते हैं। और 13 साल के कम उम्र वाले बच्चों को एंट्री फीस नहीं देनी होती। इसमें गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पे कॉन्डम और लंड के आकार के कई चीजें मिलती हैं, जो कि आप खरीद सकते हैं। 2015 में इस म्यूजियम को पहला इंसानी लिंग मिल गया था। इसके साथ ही दूसरे 4 लोगों ने भी अपने लिंग देने का वादा किया है। दरअसल इस म्यूजियम की शुरुआत एक मजाक से हुई थी और खुद जार्टरसन को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मजाक उसे इस मुकाम तक पहुंचा देगा। ये बात 1974 की है, जब जार्टरसन आइसलैंड के एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वो पास के एक गांव में घूमने गए। वहां पर उन्हें किसी ग्रामीण ने एक सांड का लिंग दिया। उन्होंने वो लिंग वापस आकर अपने साथ ही टीचर्स को दिखाया। उनके साथ ही अध्यापक भी गर्मियों की छुट्टी में पास ही स्थित वेल स्टेशन पर काम करते थे। उन्होंने जार्टरसन का मजाक उड़ाने के लिए वेल स्टेशन के एक विशाल वेल मछली का लिंग लाकर दिया। बाद में उनके कई दोस्तों ने गिफ्ट में ऐसे कई अलग अलग लिंग लाकर दिए जिससे वो उनका मजाक उड़ा सकें। उन्होंने तो जार्टरसन का मजाक उड़ाया था, पर जार्टरसन पर इस मजाक का उल्टा असर हुआ और जार्टरसन को लिंग का संग्रह करने का विचार आया। 1980 तक उनके पास सिर्फ 13 ही लंड थे और 1990 तक 34 लंड हो गए। और 1997 में जब उन्होंने रेकजाविक म्यूजियम खोला तब उनके पास 62 लंथ हैं। वर्तमान में ये संख्या 500 से भी ज्यादा हो चुकी है। इस म्यूजियम में धरती के अंदर पाए जाने वाले स्तनपायी जीव के अलग अलग लिंग हैं, जिनकी संख्या 300 से भी ज्यादा है। इनमें से 56 लिंग अलग अलग तरह के व्हेल मछली के हैं, 36 लिंग अलग अलग तरह के सील के हैं और बाकी के लिंग विदेशी जानवर और इंसानों के लिंग हैं। सो गाइज, ये था दुनिया का सबसे अलग म्यूजियम जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के लिंक देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ यार फॉलो जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Wiggle, wiggle. Like.